Namaskar, good evening once again to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation. We are in the 29th episode of Reflections series, discussing about and sharing the memories through our guest of none other than Bharatratna Pandit Ravi Shankar ji. Friends, as earlier also I announced, once again we announced and we mourn the sudden demise of the legendary playback singer S.B. Balasubramanian ji, who left for the heavenly abode due to COVID-19. So my request with folded hands to the viewers is that be careful in this era, because in this era we have no medication except that we say that prevention is better than cure. So please be safe, friends. And to have our guest today, she belongs to a very well-known Bhatt family of Jaipur, and she started her training in sitar just at the age of 13 from his elder brother Shashi Mohan Bhatt, who was a disciple of Pandit Ravi Shankar ji. And later on she also perfected her music through her family guru Pandit Ravi Shankar ji. And according to Miami Times in 1999, she was known as the first lady of the sitar, and she is very also near and dear to the Shankar family, and she is none other than Srimati Manju Mehta. So on behalf of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, I welcome Srimati Manju Mehta, who will be sharing her memories with Panditji. दीदी नमस्कार, दीदी नमस्कार, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्रणाम। बस 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 अच्छी, सब ठीक है। आप लोग सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार। और दीदी आपके साथ जो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे आप ही के गुरु भाई गौरव मजुमदार जी, तो मैं गौरव मजुमदार जी को स्वागत करती हूँ इस शो रिफ्लेक्शंस में, जो आपके साथ अपनी मीठी यादें आप लोग अपने से शेयर करेंगे। थैंक यू नमस्कार मंजू जी, मेरा प्रणाम आपको। नमस्कार नमस्कार गौरव जी, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम मंदिर में बैठी हुई हैं आप। ये आपका कक्ष, आपका म्यूजिक रूम। जी जी जी, इतनी मधुर आपका जो सितार है वो आप बजाती हैं यहाँ पे, आप साधना करती हैं। हमको लग रहा है हम आपके पास ही बैठे हुए हैं अहमदाबाद में। मुझे भी बड़ा आनंद आया, बहुत समय के बाद में मेरी गुरु माँ सुकन्या जी को मैं है बहुत ही बहुत आदर से चरण स्पर्श करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि मुझे आज यहाँ उन्होंने आने का, और आप सभी का, ना वरुण जी का, आपका गौरव जी का और अनुष्का जी, सभी को बहुत बहुत मैं साक्षात प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने आज मुझे इस जगह पे यहाँ बुला के मेरे मेरे सबसे क्या कहना चाहिए, मेरे भगवान जैसे गुरु पंडित भारत रत्न पंडित रवि शंकर जी को आज याद करने के लिए मैं यहाँ आई। हमारे पास सबसे पहला मैसेज, जो सबसे पहला मैसेज चिन्नम्मा का आया है, चिन्नम्मा नमस्कार बोल रही हैं और वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, देख रही हैं। जी तो जी जी जी, मैं बताऊं, मैं तो गुरु माँ से इतनी डरती हूँ कि मुझे ये हुआ कि गुरु माँ बैठी होंगी तो मैं बोल सकूंगी भी कि नहीं। नहीं, चिन्नम्मा आपको इतना प्यार करती है मंजू जी, इतना आपके बारे में, गुरु जी चिन्नम्मा दोनों। जी 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 जी, मैं भाग्यश इतना बात करते हैं, इतना वो आपका बजाना, गुरु जी आपके हाथ का हरदम बोलते थे, कितना मीठा कितना सुंदर हाथ है, और आपको दोनों इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो और हम लोग सब लोग, जितने भी हम लोग गुरु भाई बहन हैं, सब लोग आपको बहुत श्रद्धा करते हैं, आपको बहुत आपसे प्रेम करते हैं, और आपने हमको हरदम अपने छोटे भाई के तरह आपने ट्रीट किया है और इतना इतना प्यार दिया है मंजू जी, उसके जी, लिए जी, आपका आभार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज का दिन थोड़ा हमारे लिए
एक अजीब सा एक दिन है क्योंकि गुरु जी के काफी निकट के और हम सब के और संगीत जगत के दिग्गज मैं बोलूंगा एसपी सुब्रमण्यम जी हम लोग को छोड़ के चले गए जी जी जी। गुरु जी का गाना उन्होंने इतना अच्छा हे नाथ हम पर कृपा कीजिए जी 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 गाया था, इतना सुंदर वो कान में बसता है। मैं कल से जब से सुना कि उनका थोड़ा जी 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 क्रिटिकल है, वो हॉस्पिटल में है जी, और जी, हॉस्पिटल जी। में काफी महीनों से थे, उनको कोविड हुआ था। हाँ। तो मंजू जी क्यों ना हम उनके याद में उनके आत्मा के शांति के लिए जी 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 को याद करते हुए कुछ गुरु जी का एक राग से आज का कार्यक्रम आज संगीत से शुरू करें कार्यक्रम। जी जी तो मैं जी 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 एक प्रेयर के तरह हम लोग जी 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 सबसे पहले मैं इतने बड़े श्रेष्ठ गायक सुब्रमण्यम जी को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि गुरु जी का मुझे चारुकोंस बहुत पसंद है, कितने ही राग मुझे पसंद है। एक छोटी सी बात के बाद मैं शुरू करूँगी। मैं गुरु जी के राग सभी बजाते हुए पहले बहुत डरती थी, क्योंकि ऐसा है कि जो कोई खुद जो कंपोज करता है उसका क्या विचार उस राग के अंदर है वो समझने के लिए जब तक हम लोग समझे नहीं और बाहर बजाने बैठ जाए। तो एक बार मुझे गुरु जी ने कहा नाना बेटा बजाया करो, हमारे राग बजाओ, क्यों घबराती हो। तब से मैंने ये हिम्मत करी और मैं थोड़ी आप लोगों से आज्ञा लेके एक दो मिनट का चारुकोंस का आलाप बजाती हूँ मेरे माफ करिएगा क्षतियों को। Thank you.
क्या बात मंजू जी, क्या बात। हाँ सॉरी जरा। क्या बात मंजू जी, क्या बात। मैं जब भी देखिए गुरु जी का राग सुनता हूँ जी जी जी, इतना मतलब उसके पीछे सोच देखिए, अब ये इसमें कौंस का भी अंग है, चारुकेसी भी है, और कितना एक राग का एक अपना एक शकल बन के सामने। जी जी, अलग अलग शकल, वो ही राग की यही खासियत है, जो जितने भी बन है उनकी सबकी अलग शकल है, ये तो खासियत। आपने इतना अच्छा इसका, इतना अच्छा आलाप आपने, क्या अच्छा सितार का टोन आ रहा है, इतना अच्छा आपने बजाया। मंजू जी, हम आज का जो कार्यक्रम है जी 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 शुरू करना चाहेंगे आपके बड़े भाई शशि मोहन भट्ट जी से, क्योंकि जी, जी। आपके घराने में शायद जो गुरु परंपरा, जो आपने गुरु जी को गुरु माना अपने घराने का, जी जी जी, वहां से शुरू होता है वो जर्नी, उनसे वो पहले आपके घराने में, आपके घर में वो पहले व्यक्ति थे जो गुरु जी के शागिर्द बने, तो थोड़ा उनके बारे में, वो कैसे गुरु जी के संपर्क में आए और कैसे उन्होंने सीखना शुरू किया, क्या सीखा उन्होंने, और सीख के फिर वो घर क्या वापस लाए कि आप लोग सुने कि अरे उनके पास ये नया बंदिश आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा हमको बताएं मंजू जी। मैं जरूर बताती हूँ आपको। वैसे देखा जाए तो मेरे माता पिता दोनों ही बहुत संगीत के शौकीन और करने वाले थे। आपको शायद ये मैं एक बात कर देना चाहती हूँ कि जिस जमाने में राजस्थान में महिलाओं को संगीत के करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, जी, उस समय की बात कर रही हूँ। उस समय मेरी माता जी को मेरे पिताजी ने कहा कि तुमको संगीत, उनको उनके घर में संगीत नहीं था, और उन्होंने कहा तुमको संगीत सीखना ही पड़ेगा, तुम्हारा आवाज बहुत अच्छा है, तुम संगीत सीखो। जब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे उस समय, जी, तो उस समय की बात है। फिर बाद में मेरी
माता जी को उन्होंने अलवर एक गुरु के पास सीखने के लिए भेजा। फिर हमारा जन्म हुआ, जब तक उनका शिक्षण चलता रहा और वो हम छोटे छोटे बच्चों को लेके अलवर बैठ के गाड़ी में या कैसे कैसे भी बस में या जाती थी और हम बच्चों को ले जाती थी। हम लोग वहाँ 2 दिन ऐसे सब खेत में और से खेलते रहते थे और वहाँ वो अपना सीखना करती थी। उसके बाद में वहाँ के रॉयल फैमिली के जो मेंबर थे उनको मेरी मदर सिखाने के लिए जाती थी अलवर। इस तरह से वहां से हाँ जी जी और फिर अलवर से वो घर आती थी और उसके बाद में उन्होंने महाराजा स्कूल में एक म्यूजिक सिखाना शुरू किया। और मेरे अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि भाई साहब भी शुरुआत में उनको सितार का शौक था और वो गुरुजी को हमारे घर में ऐसा था कि गुरुजी यानी भगवान, और हम लोग बच्चे छोटे थे तो हम सोचते थे कि ये आदमी नहीं है, ये कोई भगवान है, ऐसा ही सोचते थे बहुत बड़े तक, क्योंकि उसको एक देवता की तरह से हमारा पूरा घर मानता था। और जब मैं भाई साहब जाते थे दिल्ली, जब गुरुजी दिल्ली थे उस समय वो जयपुर से दिल्ली उनके पास सीखने जाते थे, जब गुरुजी दिल्ली में रेडियो में जहां जब थे तब वो जाते थे सीखने, तो और वहां से वो सीख के आते थे गुरुजी के पास। तो गुरुजी के पीछे यानी इतने दीवाने थे कि वो हमारे घर में एक बार तो गुरुजी का नाम जरूर आ ही जाता था। और फिर वो अपने वो जो रिकॉर्ड छोटे छोटे जो पहले होते थे ना, वो घर पे सारे दिन उसको बजाते रहते थे, कभी रसिया बजा, हम कहे कि भाई साहब क्या कर रहे हैं ये, अब फिर ये क्या सुन रहे हैं, गा पदा निशा 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 निधा परिणा, अरे भाई ये क्या, जब देखो जब भाई साहब लगाते रहते हैं। फिर धीरे 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 सुन के मुझे भी थोड़ा सा काफी शौक हुआ। फिर भाई साहब तो हमारे परिवार में मैंने जैसे कहा कि गुरुजी हमारे यानी सब भगवान, मैं ये सोचती थी। फिर मैं छोटेपन से मुझे ये लगा कि ये सुनती थी तो मेरे को कहीं भी कोई गलती नहीं होती है, कहीं कोई बेसुरा नहीं होता है, कोई इतना तो समझती तो ये तो कोई भगवान ही हो सकते हैं, जब तक मैंने देखा नहीं था। और हमारे घर में इसी तरह से मेरे दूसरे जो दो भाई वो वायलिन बजाते थे, और फिर मेरे अब भाई साहब विश्व मोहन जी तो अब दुनिया में आप नाम जानते हैं, उन्होंने वो भी गुरु जी के शिष्य, हम लोग सब लोग हमारा पूरा घराना गुरु जी के पीछे पागल जी। और तो भाई साहब ने वहां जाके सभी उनका जो पूरा शिक्षा, कभी आप उन्होंने अगर 1-2 मिनट की आप कभी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सामने बैठ के इन्होंने शिक्षा ली है, वो तो पता चल जाता है तालीम जो ली हुई होती है जी। और उनके बेटे जो हैं अच्छा हाँ वो कृष्णा जी भी गुरु जी के शिष्य जी। और कृष्णा जी ज्यादातर वहां रहते हैं अमेरिका, इसलिए अभी आना जाना भी करते हैं जी। तो वो दूसरे सबसे छोटे चंद्रमोहन, वो भी अब काफी आप देखते होंगे वैसे वो शौकिया फिल्मी गाना बजाते हैं, कितनी लड़कियों को सिखा रहे हैं, ये सब हमारे गुरु जी की, हमारी गुरु माँ की कृपा है जी 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 जी। तो हम इसको इस जर्नी को थोड़ा आगे ले जाते हैं और फिर आपका जो सितार का जो तालीम विधिवत जी 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 गुरुजी से, गुरुजी से कब से शुरू हुआ जी? ऐसा गुरुजी जब मैं यहाँ मैरिज होके 68 में अहमदाबाद आई जी, उसके बाद एक बार गुरुजी किसी और के प्रोग्राम में यहाँ पधारे थे। उसके पहले मैंने जयपुर में जब मैं बहुत छोटी थी, करीब मैं होंगी 11 साल की, तब जयपुर में एक प्रोग्राम गुरुजी का मैं सुनने गई और गुरुजी का प्रोग्राम सुन के मैं इतनी पागल हो गई कि मैंने सोचा कि मुझे तो बस सितार करना, कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, तो जबरदस्ती जैसे थोड़ा बहुत पढ़ के और किया। फिर सितार मैंने भाई साहब के पास, सितार भाई साहब जब बाहर चले जाते थे चुपचाप सितार बजाती थी, उनका सितार लेके दूसरा सितार नहीं था। उसके बाद यहाँ आने, अहमदाबाद आने के बाद में सबसे पहले मैंने गुरुजी के दर्शन किए जब एक यहाँ उनका प्रोग्राम था, दूसरे ऑर्गेनाइजर ने किया था और मैं उनके प्रोग्राम में गई थी। फिर मैंने उन ऑर्गेनाइजर उनसे कहा भाई मैं गुरुजी के दर्शन करना चाहती हूँ कैसे भी कैसे, तो बोले हाँ हाँ जरूर, क्योंकि गुरुजी को मालूम था, मैं वैसे मैं बहुत मेरी सामने मैं मिली नहीं थी उसके पहले, लेकिन उनको मालूम था क्योंकि गुरुजी नंदन भाई के
जो मदर थी वो बैरोनेट फैमिली की लड़की थी, उनकी डॉटर। तो वो बैरोनेट फैमिली के वहाँ अपने रेस्पेक्टेड अपने पंडित जी, उदय शंकर जी और गुरु जी सब लोग उनके वहाँ आके रहते थे। जब नंदन जी बहुत छोटे थे और ये लोग बहुत ही छोटे थे, तब उनके घर में काफी बार आते थे गुरु जी। और ये तो उस समय इनका नाम सुना हुआ था नंदन जी का, तो उन लोगों ने कहा कि भाई मंजू है इस तरह शशि मोहन जी की बहन है और ये नंदन जी की वाइफ है, अभी शादी हो गई। तो बोले अरे अरे मैं जरूर मिलना चाहूंगा। फिर हम गुरु जी से मिलने गए। उसके बाद में मैंने एक बार फिर दोबारा जब गुरु जी आए तब मैंने कहा गुरु जी थोड़ा सा मुझे सितार सुनाना है आपको। तो बोले तो कामा होटल में के कहीं होटल में, मैं तो सितार लेके पहुंच गए। और कैसे कैसे अपने आप को उस समय तो कुछ नॉलेज नहीं होता है तो बहुत समझते हैं, अब तो गुरु जी के सामने बजाने की हिम्मत ही नहीं होती। जब 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 समझ आई तब से तो तो फिर बजा दिया शुद्ध सारंग चाहे जैसा। तो गुरु जी ने कहा बेटा रियाज करो बस, वो खत्म हुआ। फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने ये सप्तक की स्थापना करी 1980 में। उसके पहले मैं दर्पण में, हाँ 80 में, इसके बारे उसके में पहले आपको बताइए ये कैसे ये माहौल। हाँ हाँ वो जी 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 उसके पहले मैं दर्पण में 7 साल मैंने सितार सिखाया मृणालिनी साराभाई जी के वहां मैं सिखाती थी। और फिर वहां से हमको प्रेरणा मिली कि नहीं भाई अपना, उन्होंने ही कहा कि हाँ तुम लोग बड़े होशियार हो तुम अपना इंस्टीट्यूशन करो, उनसे परमिशन ली तो हमने अपना इंस्टीट्यूशन करा। अब एक बार मुझे नंदन जी ने कहा, वो जानते थे कि मैं गुरु जी के पीछे पागल हूँ उनके इतनी, तो बोले मैंने कहा बोले बोलो बुला दूँ उनको। मैं तो सोचा ये तो सपना है, कोई आते होंगे गुरु जी ऐसे तो कोई आ जाते होंगे लेकिन उन्होंने बोला चलो, मुझे सरप्राइज दिया कि मैं बुला के बताऊंगा, तुम तो सोचते हो नहीं आ सकते, मैं कुछ भी करूंगा। तो फिर उन्होंने कुछ अपना सब इधर, तो गुरु जी को बड़ी मुश्किल से, गुरु जी तो फिर तुरंत खुश हो गए वो, क्योंकि मेरे परिवार को भी वो जानते थे और इनके परिवार को भी गुरु जी जानते थे। तो बोले नहीं 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 जरूर जरूर जरूर। और हमारे वहाँ पंडित किशन महाराज जी आके रहते थे, वो तो पहले से ही रहते थे क्योंकि नंदन जी उनके शिष्य थे, वो 80 के पहले भी बहुत बार आके रहते थे जब लोग हम लोग छोटा छोटा काफी प्रोग्राम करते थे तब वो आके रहते थे। तो बोले हाँ हाँ जरूर वो बजाएंगे तबला और हम लोग आएंगे। तो मुझे तो जैसे क्या, मैं तो मैंने सोचा कि हो क्या उस समय मुझे हुआ। तो फिर गुरुजी पधारे और हमारे क्या क्या अनुभव, मेरे पास बहुत ज्यादा इतने सारे अनुभव है पर अभी इतने सब नहीं कह सकते टाइम। तो गुरुजी पधारे और गुरुजी ने आपको यकीन नहीं होगा 6.5 घंटे 7 घंटे अकेला प्रोग्राम उन्होंने बजाया है जयशंकर सुंदरी हॉल में, 6 राग बजाए। फिर हम लोग सोचने लगे कि पहले हमने कहा कि अपन टेप तो, क्योंकि मैं कभी भी गुरु जी को किसी भी तरह से वो नहीं कर सकती थी कि मैंने कहा कि भाई टेप तो गुरु जी को पसंद नहीं है हम लोग नहीं करेंगे। तो फिर प्रफुल्ल भाई ने पूछा, हमारे जो ट्रस्टी हैं प्रफुल्ल भाई, रूपा बहन, भारती बहन, ये सभी हम लोग एक ही उसके हैं परिवार के, एक ही परिवार यानी हमारा ट्रस्टी मंडल सब एक परिवार, सब लग गए उसमें गुरु जी के और ये प्रोग्राम में। और उस समय ना हमारे पास कुछ पैसा था ना कुछ था। तो आपको हंसने की बात बताऊं कि चेक लेके डरती डरती पहुंची तो गुरु जी ने तो देखा भी नहीं कि कितने का चेक ये ऐसे ऐसे गुरु गुरु थे गुरु जी के, देखिए भावना हमारे प्रति। और फिर गुरु जी ने कि नहीं नहीं टेप करो मैं उस पर साइन करूंगा, तो उनके साइन भी है तुम लोग टेप करो। हाँ, जैसा भी हो करो, दिखाया था इस बार वो, इस बार जो आपने सब तक किया था जनवरी में। हाँ 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 प्रफुल अच्छा, भाई वो टेप टेप लाके अच्छा 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 ये मुझे बताया होगा। और उसमें उसमें क्या कौशी कांगड़ा बजाया था गुरुजी ने, धमार नहीं उसमें, मैं आपको बताऊं उसमें कौशी कांगड़ा धमार बजाया, जन संबोधी बजाया और फिर भैरवी बजाया, और भैरवी बजाया, हेमंत बजाया और हैं भटियार बजाया। ये रात भर चला, ओ रात भर 7 घंटे 6 घंटे ओ और 6 घंटे प्रोग्राम चला। और गुरुजी बहुत बहुत ही खुश हुए गुरुजी,
फिर मैंने गुरुजी से मैंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करूं तो सही, मुझे आपसे सीखना है, बहुत डरते डरते रिक्वेस्ट करी। तो गुरुजी बोले हाँ क्यों क्यों नहीं, जरूर जरूर जरूर। तो उसके बाद जब गुरुजी दोबारा आए तो मैं उस समय गुरुजी हमारी ट्रस्टी भारती बहन और उनकी लड़की अमिता, वो भी सितार बजाती है, तो उनके घर रुकते थे। तो उनके घर मैंने बाकायदा उनसे, उनके घर रुके थे लेकिन बोले मैं तुम्हारे घर पे ही तुम्हारे गंडा बंधन करने आऊंगा। मैंने कहा हाँ जरूर। मैंने कहा गुरुजी अब हम तो, हमारे वहां क्या उस समय हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं, पूरा घर क्या, पूरे बाहर के परिवार के लोग, जैसे कोई कोई बहुत बड़ी शाद उत्सव हो, उससे भी ज्यादा सब लोग सेंसेशन में, कोई वहां हटा रहा है, कोई वहां हटा रहा है, कोई वहां रख रहा है। और मेरे मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सब बहुत उत्साह करे, मंजू की वजह से और इन लोगों की वजह से ऐसे बड़े गुरुजी यहाँ आ रहे हैं, वो भी बहुत इम्प्रेस हो गए। फिर उन्होंने सब तैयारी करी, हम लोगों ने हमारा म्यूजिक रूम, बड़ा काफी बड़ा म्यूजिक रूम है नीचे दूसरा, तो उसमें गुरुजी बैठे। फिर बोले सितार लेके आना पड़ेगा, अब तो मेरी क्या हालत हुई आप समझ सकते हैं, मैं तो वैसे ही थोड़ी नर्वस टाइप हूँ। अभी लेके बैठी, लेकिन उस समय क्या होता है जब तक बहुत सुना नहीं होता तब तक कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, जैसे जैसे हम बड़े होके सुनते जाते हैं वैसे कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। तो मैं बैठी, फिर गुरुजी ने काफी देर बजाया, भैरव बजाया, अब अकल्पनीय भैरव, मैं भी बैठ के साथ में जो भी थोड़ा बहुत बजा सकी बजाया मैंने, और गुरुजी इस तरह से। फिर गुरुजी के साथ तो कितनी बार मुलाकात दिल्ली में होती थी, फिर दिल्ली में एक बार उन्होंने किया था अपने वर्कशॉप जैसी, हम लोग 6-7 जने सभी लोग थे, 8-10 लोग थे, सब फोटो है मेरे पास, सब गुरुजी के शिष्यों के साथ में फोटो, इतना आनंद आया गुरुजी ने बताया। और फिर अहमदाबाद तो आते ही रहते थे गुरुजी, हर 2 साल में 3 साल में, तो हमारे पास इस तरह से। फिर मैं भी सितार लेके आ जाना तो वह सुबह ही गुरुजी तो अपने पंक्चुअल टाइम पे बैठ जाते थे, और गुरुजी वैसे जब मिलते थे तो ये नहीं लगता है कि शिष्य, ये इतने मतलब प्रेम से, मैं तो कभी बैठने की हिम्मत नहीं करती थी, नहीं तो मुझे लड़ते थे ना ऊपर बैठो यहाँ बैठो साथ। और फिर इस तरह से मेरी उनसे सीखना, यहाँ भी वहां भी जैसे भी मुझे जितना भी टाइम मिला मैंने उनसे। जी, यहाँ पे हम लोग अगर एक छोटा सा एक उनका कुछ आप पीस आपको अगर याद हो, तालीम आप आपने बोला है जो तालीम, थोड़ा अगर कुछ हमको आप सुनाए मंजू जी। अच्छा, फिर हम, उस समय तो 7-8 राग करे थे, 7-8 राग की तालीम हुई थी, उसमें बहुत से राग उन्होंने डिफरेंट समझाया था, बहुत सा वो बिहाग भी अच्छी तरह से बजा, ब्याग भी वो सामागप वो भी थी, और फिर ऐसे तो काफी राग थे। आप कहें तो 2 मिनट उनकी जोगेश्वरी की गत बजाऊं, उनको बहुत पसंद, 2 मिनट एक ताल की गत जो उन्होंने मुझे, सबसे पहले जब मैंने जोगेश्वरी सुना तो मुझे पूछा गुरुजी ने कैसा लगा, ऐसे बड़ोडा में था शायद प्रोग्राम, बड़ोडा में तो चारू कोंस बजाया था, पर जब सबसे पहले मैंने ये राग सुना तब मैं बहुत मुझे पसंद आया। तो गुरुजी के आप ये देखिए, शिष्यों तक से पूछते कैसा लगा, क्या लगा, क्या लगा, मतलब जानने की उत्सुकता एक जो उनमें थी हर एक बात में, तो वो कितनी आश्चर्य की बात। और जब भी गुरुजी पधारते थे तो सबके लिए पूछेंगे, उनकी याददाश्त यानी हद की, किसी को 40 साल पहले देखा होगा वो भी उनको याद होगा वो कहाँ गया, इस तरह की। सच में इसीलिए हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल होता था कि 10 साल पहले भी जो बंदिश सिखाते थे वो हम सोचते थे शायद गुरुजी भूल गए, तो वो अचानक पूछ लेते थे कि वो हमने यमन का सिखाया था वो आज बजाओ। अरे मेरे तो एक बार ऐसा हुआ था, मैं आपको इसी में मुझे याद आ गया एक चीज जी। जो अपने ये तिलक श्याम का कंपोजिशन है जी। उसमें एक जगह एक ग्रंथ आना, उस दिन मेरी बुद्धि क्या हो गई थी, मुझे आए नहीं हो
मुझे गुरुजी तो गुरुजी इतने परेशान हो गए, इतनी देर तक सिखाया, मैं क्या हो रहा है, गुरुजी का कितना सिर दुख गया होगा। अच्छा, वो जब वो बड़ी बड़ी आंख से देखते थे, फिर एक गलती जो था वो फिर दो गलती हो जाता। नहीं, वो उनको और भी गलती, वो फिर कभी कुछ करूं घबराहट की वजह से। तो मुझे इतनी, अभी जब मैं कभी कभी कहीं बाहर तिलक शाम बजाती हूँ तो मुझे वो जगह आती है तो अपने आप मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि वो चीज जब तक सामने बैठ के नहीं करी हो तब तक वो सुन के नहीं आ सकती है। सुन के नहीं आएगा आपको कई बार विद्यार्थी उसको सीधा बजा देते हैं, वहाँ जमजमा और जो मुर्की है वो आएगी नहीं, नहीं जब तक। अच्छा मंजू जी, मैं बताना चाहता था, आप जैसे बैठी हैं और कैमरा जैसे है, हमको लगता है इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है, इसमें अच्छा लग रहा है सुनने में। अच्छा कोई बात नहीं, आप थोड़ा बजाइए, मैं सितार का सुन। हाँ, एक पांच। हाँ, उसमें चेंज का जरूरत नहीं होगा। अच्छा, पर मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा, मैं ये कान में लगे हूँ, सुनाई देगा। अच्छा 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 मैं निकाल लूँ, अच्छा। Thank you.
क्या बात मंजू जी, अरे क्या बात, क्या थोड़ा सा एकदम 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 से जरा एकदम से बुढ़ापे में हाथ चलना भी मुश्किल है ना। ऐसे मत बोलिए, क्या अच्छा हाथ चल रहा है और
क्या खूबसूरत राग है, क्या खूबसूरत राग और क्या क्या बंदिश। ये बहुत पसंद है मैं गुरु जी तो आप क्या कहें उनके बारे में, तो हम लोग बहुत छोटे हैं, हर एक बात में उनको हम लोग फॉलो करते हैं। जब घर पे हम लोग जाते थे तो खाना खाए बिना आ नहीं सकते, मंजू खाना खा के जाना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा ये था जब मैं बाहर निकलती तो गुरु जी बाहर आते थे, आपको याद होगा, हमेशा पीछे ऐसे हाथ करे हुए, और जब तक गाड़ी वापस नहीं चली जाती तब तक गुरु जी वहां खड़े रहते। हम लोग सोचते गुरु जी कैसे हैं, कैसे यहाँ बाहर तक आते हैं। और मैं और हमारे छोटे भाई विशु मोहन जी, वो भी उनके शिष्य बने तो आपको मालूम ही होगा, और इतना प्यार विशु भाई को भी करते थे, हमारे पूरे परिवार को। और गुरु जी को दूसरे कलाकारों के बारे में जानने का, इतना इतने जगह पे पहुंचने के बाद में दूसरे कलाकारों के बारे में जानने का उनकी जो उत्सुकता थी वो इतनी थी कि जब जनवरी का प्रोग्राम शुरू होता था तो जरूर फोन करके पूछते थे कि कौन कौन आने वाला है। जब मैं सब नाम बताती थी तो गुरु माँ को वो संबोध के कहते थे, सुनो सुनो कितने लोग आ रहे हैं। बोले ये क्या करते हैं, कैसे करते होंगे इतने मंजू, तो वो गुरु माँ को हमेशा कहते थे, फिर गुरु माँ हंसती थी। उसी तरह से जब मेरी उंगली का प्रॉब्लम हुआ तो गुरु जी ने कभी ये नहीं कि मतलब ऐसा दुख ये व्यक्त किया कि तुम्हारी उंगली, उन्होंने बहुत मुझे बढ़ावा दिया। बल्कि गुरु माँ को कहते थे लिसन लिसन हाउ शी इज प्लेइंग विद सेकंड फिंगर, जरूर उनको वो बोलते थे। और तो उसके बाद में गुरु जी के बाद में मैं सच बताऊं तो गुरु माँ ने हमको इतना प्यार दिया है कि हमको कभी ये नहीं लगता है कि हमारा अब कोई हमको संभालने वाला नहीं है। नहीं, उन्होंने तो पूरा जो परिवार है, गुरु जी का परिवार, उनके जितने शिष्य हैं, उनके दोस्त लोग हैं, सबको चिन्नमन इतना अच्छा बांध के, बहुत अच्छा है, इतना प्यार से। अरे आपको जी 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 आपको एक वाक्या याद आ गया, मैं जब सैन डियागो गई थी तो मैं गुरु माँ के घर पे ही रही थी, तो उन्होंने हम लोग इतना आनंद करते थे। रात को मुझे गुरु माँ ले गई मंदिर में वहां, और फिर मंदिर में मैं तो घबरा गई, मैंने सोचा कि जरूर कुछ कहेंगी गुरु माँ के, अच्छा नहीं बजाया, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन गुरु माँ ने मुझे दो गोल्डन बैंगल्स दी, वो मैं इतने प्यार से, मतलब जिंदगी का मुझे दो मंजू पहनो कि ये मुझे गुरु जी ने दी थी। और वो तो मैं जैसे उस दिन धन्य हो गई, और वो मैं मतलब रोज उसको पहन नहीं सकती, खराब ना हो जाए इसलिए मैं रखती हूँ। तो ये मैं इस भगवान की कृपा मानती हूँ, मेरे गुरु जी, गुरु माँ, आप सब शिष्य लोग, इतना हम लोग सब एक हैं और आप वो गुरु जी का आशीर्वाद है आपके लिए। जी जी जी, बैंगल्स आशीर्वाद है। और आपका, मैं तो सच में बताऊं जब भी अहमदाबाद आता हूँ इतना अच्छा लगता है। और आपने जो ये उसमें नंदन जी का, ऑफ कोर्स बहुत बहुत उनका तपस्या है कि सब तक आज खाली यहाँ पे ही नहीं, पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में इतना बड़ा फेस्टिवल शायद ही कहीं होता है, इतना 13 दिन का, 1 जनवरी से 13 जनवरी, और कोई कलाकार हमारे देश के नहीं है जो वहाँ पे आते नहीं है। जी जी जी, ये एक कमाल है। और आप और अभी संदीप भाई भी उसमें इतना जुड़ गए हैं उसके, और असल में पूरा परिवार जब एक जगह काम करने पे होता है, जब ही हो सकता है, अकेले से नहीं होता। हमारे सब लोग ट्रस्टी जो लोग हैं वैसे के वैसे इतने सालों से, 40 साल पूरे हो गए, अब 41वां साल है हमारे, और उसमें सब वही ट्रस्टी हैं जो हमारे हैं, प्रफुल्ल भाई, रूपा बहन, भारती बहन, डीडी त्रिवेदी, मेरी डॉटर, और दूसरी डॉटर की बात, डॉटर हाँ वो, और डॉटर की बात याद आई तो गुरु जी की बात याद आ गई मुझे। देखिए ऐसे याद आ जाती है। हम लोग होटल में बोले कि तुम्हारी लड़की का तबला सुनाओ, तो गुरु माँ थी हाँ, हेतल का गुरु माँ थी उस समय होटल में, तो ये लेके गई होटल में और वहां उनको सुनाया तो गुरु जी बहुत खुश हो गए। उसी समय गुरु माँ उसी समय 5,000 रुपए निकाल के लाए और हेतल को आशीर्वाद देके उसको 5,000 रुपए दिए। हेतल के पास अभी भी उसे वो बॉक्स में रखे हुए हैं, और वो मतलब गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु माँ का आशीर्वाद। फिर मेरी बड़ी लड़की तो इतनी बड़ी फॉलोवर है गुरु जी की, वो तो किसी का मतलब उसको जब भी होगा वो गुरु जी का ही सुनेगी जी, जी। तो और
पूर्वी पूर्वी और वो बजाती, गुरु जी ने कहा इतना अच्छा, सब लोग कहते थे कि बहुत अच्छा बजाती है, बाहर नहीं बजाते, तो हमेशा पूछते थे ये क्यों नहीं बजाती है बाहर, क्यों नहीं बजाती है बाहर। जी जी नहीं, आप लोगों का पूरा परिवार का इतना विनम्र स्वभाव है मंजू जी, इसीलिए आपका बजाना भी इतना मीठा है, इतना इतना। आप अगर हमको इजाजत दें मंजू जी, काफी सारे मैसेज आए हैं, चिन्नामा का भी मैसेज आया है, तो एक दो मैसेज थोड़ा हम पढ़ देते हैं, और काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जी, उनके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, आपको भी अच्छा लगेगा। संतोष नामदेव जी हैं, डॉक्टर संतोष नामदेव जी, दामिनी वी भट्ट नमस्कार बोल रही हैं, प्रगति द्विवेदी हैं, चिन्नम्मा नमस्कार बोल रही हैं, जी फिर प्रणाम करूँ, विवेक पंचाल, चिन्नम्मा अपना प्यार और आशीर्वाद भेज रही हैं आपको, प्रणाम प्रणाम गुरु एंड प्रहर वोरा जी हैं, नमस्ते मंजू बहन बोल रही हैं, बोल रहे हैं, फिर जय मेहता जी हैं, विवेक जोशी जी हैं, फिर यहाँ पे अनवर हुसैन नीलू जी हैं, नमस्कार दीदी बोल रही हैं, बोल रहे हैं, चंद्रिमा जी हैं, सरोद बजाती हैं, नरेंद्र जी की स्टूडेंट हैं, दिल्ली में रहती हैं, वो आपको नमस्कार, नमस्कार। बोल रहे हैं कि आपका म्यूजिक रूम बहुत खूबसूरत है। आहिर राय कलकत्ता से, विशु भाई हमारे देख रहे हैं, वेलकम मंजू बहन एंड गौरव जी बोल रहे हैं विशु भाई। तो विशु भाई के तो मैं सच बताऊं, मंजू बहन हम लोग सब फैन हैं उनके। जी 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 उनका जो हाथ है, उनका जो बजाना, हम लोग सब बस, हम लोग जब वो घनश्याम का रिहर्सल होता था या क्रेमलिन, हम लोग वेट करते थे विशु भाई का पीस जब आएगा हम लोग सुनने के लिए। बहुत। अब विशु भाई के घर पे गुरु जी आए थे वहां जयपुर में, और हमारे पूरे परिवार का, गुरुमा भी थी, अनुष्का जी भी थी, पूरे परिवार का, सबका सुना, तो क्या, अरे ये तुम्हारा परिवार क्या है, इतने खुश हुए, मतलब आप देखिए उनका बड़प्पन कहाँ पहुंच, ओके, मतलब कह रहे सबको सुना और फिर इतने ज्यादा खुश हुए गुरुमा, और ये गुरु जी भी बहुत खुश हुए, और हमेशा उनको ये पता था कि मेरे कई कलाकारों से अच्छे संबंध है भाई जैसे, तो हमेशा पूछते रहते, वो राजन भाई के लिए हमेशा कहते थे बड़ा अच्छा गाते हैं राजन भाई, साजन भाई, फिर विशु भाई की भी तारीफ करते थे कि बहुत अच्छा, वो जानते थे कि अपने वहां कौन कौन आते हैं, और मेरा हम लोगों का खास खास महाराज जी, तो वो इतने मतलब सेंसिटिव गुरु जी थे, किसी को दो मिनट प्रसन्नता होती है तो हम उनको दे। जी राजन जी का भी आज मैसेज आया था, उन्होंने हमको मैसेज भेजा कि लिंक भेजने के लिए, मैंने उनको भेज दिया था, तो वो जी 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 तो विशु भाई हैं, निशा जी हैं नवरुण के वाइफ, वो देख रही हैं। फिर विशु भाई बोल रहे हैं कि वो जो शुरू में जो स्लाइड्स पिक्चर्स था, विशु भाई को बहुत अच्छा लगा, बोला बहुत अच्छा पिक्चर है। अनुभा जी देख रहे हैं, अनुभा बैनर्जी सितार बजाती हैं, बंबई में रहती हैं। फिर कुंपा रॉय चौधरी हैं, फिर विशु भाई बोल रहे हैं कि वेरी नाइस टू पे ट्रिब्यूट टू SP बाला सुब्रमण्यम जी, एंड चारू कौन सुन को बहुत अच्छा लगा। फिर अमिता दलाल जी हैं, वो गुड इवनिंग एंड प्रणाम बोल रहे हैं आपको। सुभद्रा देसाई जी हैं, दिल्ली से गाना गाती हैं, बहुत अच्छा। फिर नीरव देसाई एंड विशु भाई बोल रहे हैं कि वो जो उसके बारे में आपने जो अभी बजाया, आपने जो जो और उसका जो मिश्रण से जो गुरु जी ने जोगेश्वरी बनाया है जी, फिर आयुष मोहन जी, वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन है दिल्ली में। हाँ राजन साजन जी देख रहे हैं, अच्छा हाँ नमस्कार सभी को भैया, हमारा प्रणाम उनको। सोमा बैनर्जी जी हैं, और राजन भैया साजन भैया बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा सेशन को अच्छा लगा। राजन भाई साजन भाई को तो ये सब बैकग्राउंड के सब इतिहास खबर है हमारे घर का, एक एक इतिहास खबर है। उनके घर का दरवाजा भी वो उसके इसके मैचिंग का है। और सोफिया हैं, ये पोर्चुगल से ही हमारी स्टूडेंट है, वो देख रही हैं। फिर जगजीत अरोरा जी हैं, सप्तक के बारे में विशु भाई बोल रहे हैं कि नंदन जी ने बहुत एक बड़ा काम किया है सप्तक को एस्टैब्लिश करने में, और कितने बार गुरु जी आए हैं वहां पे। और लावण्या कीर्ति सिंह का भी आप जानते हैं, इनको दरभंगा में प्रोफेसर हैं। फिर एंड वो बोल रहे हैं, राजन भैया बोल रहे हैं कि बहुत सहज
और बहुत दिल से आप बोल रहे हैं, बहुत ऑनेस्टली बात कर रहे हैं आप। फिर अनुभा जी बोल रहे हैं, मंजू जी क्या बात है, आप कितनी लकी हैं कि गुरु जी का आपको सान्निध्य मिला। फिर अमिता जी बोल रहे हैं, थैंक्स फॉर रिमेम्बरिंग एंड मेंशनिंग माय मदर भारती बेन, शी कन्वेज हर प्रणाम्स, वी वर प्रिविलेज टू होस्ट दादा गुरु जी, माई प्रणाम्स। अनुभा जी बोल रहे हैं, सच रेयर राग्स। फिर विशु भाई बोल रहे हैं, कृंतन वॉज हिज स्पेशलिटी गुरु जी का। उदय कुमार मलिक जी बोल रहे हैं, मंजू जी नमस्कार, आपको याद होगा जो आप मेरे ध्रुपद एकेडमी दिल्ली को के आयोजन में जोगेश्वरी आपने बजाया था चौताल पखावज तबले के साथ। जोगेश्वरी नमस्कार। एंड विशु भाई बोल रहे हैं, जोगेश्वरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जोग एंड रागेश्वरी बट नो ऋषभ एंड पंचम। फिर अनवर हुसैन जी हैं, प्रगति द्विवेदी जी हैं, फिर काफी लोग देख रहे हैं और जुड़े हुए हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। विशु भाई हमेशा मुझे मजाक करते हैं, भाई जरा सितार बराबर ट्यून कर लेना, तो मैं विशु भाई की यही बात मुझे याद आ जाती है जब मैं सितार बजाती हूँ। तो विशु भाई को तो हम तो जब विशु भाई क्योंकि स्वर का इतना उनको परफेक्शन का वो है, मेरे जरा थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, कभी हो जाता है। हम इसीलिए विशु भाई धीरे से बोलते हैं कौन है। तो मंजू जी बहुत बहुत अच्छा लगा आपको, आप आए बहुत, मुझे आज बहुत आनंद आया, हमारा समय भी होने वाला है, हो गया समय के साथ। आप इतना बिजी है और आप इतना सिखा रही हैं। अरे अभी तो क्या बिजी हैं, घर के खाना बनाने से ही बिजी हैं, बस यही बिजी हैं अभी, और किसी में बिजी नहीं है। तो बर्तन दो प्रणाम आपको, आप पूरा परिवार को, हमारा बहुत 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 सभी लोग जो आए उनको अपने हृदय से मैं अपना आभार मानती हूँ। आप सभी लोग को, ना वरुण जी को, आपको, गुरु माँ अनुष्का जी, जो भी लोग हमारे जितने यहाँ उपस्थित हो उनको मैं अपना हृदय से आभार मानती हूँ, जिन लोगों ने इतना समय दिया। आप कुछ सुनाएंगे हमको? अब क्या सुनाएंगे उस्ताद, अब तो थोड़ा सा एक लाइन अरे अपना इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि उसको मिलाने में दो मिनट बजाओ और पांच मिनट मिलाओ। जी बहुत अच्छा लगा दीदी, आप आई और अपना, आप कहें तो एक मिनट गुरुजी के पीलू की गत दो ही मिनट बजा सकती हूँ, वो धुन मुझे पसंद है, फिर उसके बाद खत्म, बराबर। तो ये जब हम मिलेंगे तब सुनेंगे आपका। थैंक यू मंजू जी, मेरा प्रणाम आपको। जी जी जी। और संदीप भाई को थैंक्स बोलिए, उन्होंने इतना अच्छा, अरे वो ये उन्हीं की वजह से ये होता है, मुझे तो आता ही नहीं है ना कुछ, वो अगर नहीं होते तो ये नहीं हो पाता ये सेशन। नहीं मैं अपना वाला दे दूं, अपना मिजराब आपको फिट नहीं हो पाए। मिजराब क्या रख दी वो, अभी आपने इधर उधर हिलाया ना, तो मिजरा बने जुआ ने, मिजरा बने रबड़ से, रबड़ आ कई देते हैं। Thank you.
क्या बात, I'm
क्या बात है आपने तो समा बात दिया मंजू जी। अरे सच में गुरु जी का याद दिला दिया आपने, गुरु जी का याद दिला दिया। मुझे धुन इतनी पसंद है, जब मैंने पहली बार सुनी थी तो मैं पूरी रात सोई नहीं थी कि क्या वही दिमाग में, वही दिमाग में हमारे पास सब तक नहीं बजाई थी जी। और आप आए हमारे पास, बहुत बहुत अच्छा लगा मंजू जी, आप आशीर्वाद करिए। मुझे भी बहुत आज गुरु जी को याद करके बहुत आनंद आ रहा है। चिन्मा गुरु माँ यहाँ उपस्थित थी, उनसे भी थोड़ी बात हो सकी इतने समय के बाद में। हम नवरुण जी को बुलाते हैं, अब आखिरी में थोड़ा दो शब्द बोलेंगे वो। सुनने के बाद अब शब्द ही नहीं बचा है कुछ बोलने के लिए। अरे नहीं नहीं आपकी कृपा। और मैं तो खाली सुन रहा था दीदी, तब से आप बजा रही थी, हम सुन रहे थे, इतना अच्छा लगा। मतलब दिल से बताएं कि मुझे ऐसा लगा कि आत्मीयता इस प्रोग्राम में था कि दो शिष्य एक गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो सामंजस्य आप दोनों का था वो देखते बना बहुत अच्छा। दोनों जन को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर मंजू दी गौरवदा दोनों को, कि आप लोग इस प्रोग्राम की समा को बांधे इस तरह से पंडित जी को, मामा को याद करते हुए, और श्रोताओं लोग भी खुद लुत्फ उठाएं इस इतने अच्छे सेशन का आप दोनों से। सो फिर मंजू दी, फिर मुलाकात होगी पैंडमिक के बाद, आशा करते हैं हम आएंगे, मुलाकात आपसे होगी। आपको तब तक नमस्कार। And to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, tomorrow we will having our 50th episode, that is Golden Jubilee celebration. Of course, the 100 years celebrating with Pandit Ravi Shankar ji, with other eminent personalities. Till then, be safe. और श्रोताओं, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि इस सबसे बड़ा दुखद वातावरण जो चल रहा है चारों तरफ, आप लोग उससे बचिए। आप लोग जो सरकार जो नीतियां लाई है उस पर लागू करिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, मास्क लगाइए, दूरी बना के चलिए भीड़ भाड़ एरिया में, क्योंकि ये जो जगह, ये जो बीमारी है ना, आप देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं गौरव आप भी, कि 3 महीनों में कितने दिग्गज लोगों को हम लोग खो दिए इस बीमारी की वजह से। सो आप लोग सेफ रहें, यही हम लोग मनोकामना करते हैं, ईश्वर से ही कामना करते हैं कि ये दिन जल्दी बीते और अच्छी सुबह फिर से आए। टिल देन, गुड नाइट एंड बी सेफ। नमस्कार।